और जब मेरी स्कैनिंग हुई तो मुझे बताया गया मेरी दोनों फिलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं और मेरी यूट्रस सूख चुकी है, बिल्कुल एक बूढ़ी औरत की तरह। और ये इम्पॉसिबल सी बात थी नेचुरल प्रेगनेंसी होना। आपके यूट्रस को एक रोग है, आपका यूट्रस मेडिकल भाषा में सूख चुका है। और मैं आपको बेबी की टेस्टिमनी एक बेबी बॉय एक बेबी गर्ल के साथ आता हुआ वापस देख रहा हूँ चर्च में। जय मसीह के, मेरा नाम रेहाना है और मैं यूएसए में रहती हूँ। मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ। आज मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गवाही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने मेरी शर्मिंदगी को, मेरे गम को खुशी में तब्दील किया। 2013 में मेरी मैरिज हुई और मैरिज के बाद मुझे हैवी ब्लीडिंग रहना शुरू हो गई, जो कि 9-9 दिन तक हैवी ब्लीडिंग हुआ करती थी हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से। इसके तकरीबन 3 साल तक, शादी के 3 साल तक एक भी बार प्रेगनेंसी नहीं हुई। 2016 में जब हमने दोबारा बेबी के लिए ट्राई किया तो मेरी डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दी कि आप 1 साल और वेट कर लो और अगर इस 1 साल में प्रेगनेंसी नहीं होगी तो आप इनफर्टिलिटी डॉक्टर को देखना, बच्चों के डॉक्टर को देखिएगा। हमने पूरा 1 साल वेट किया और पूरे 1 साल में 2016 में एक बार भी प्रेगनेंसी नहीं हुई। इसके बाद मैंने शिकागो के वन ऑफ द बेस्ट इनफर्टिलिटी डॉक्टर, जो कि बेबीज के डॉक्टर हैं, उनसे कंसल्ट किया और जब मेरी स्कैनिंग हुई तो मुझे बताया गया मेरी दोनों फिलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं और मेरी यूट्रस में 2 बड़ी रसोलियां हैं और मेरी यूट्रस सूख चुकी है, बिल्कुल एक बूढ़ी औरत की तरह जिसके पीरियड्स बंद हो जाते हैं और यूट्रस सूख जाता है। और ये इम्पॉसिबल सी बात थी नेचुरल प्रेगनेंसी होना। और फिर डॉक्टर ने एडवाइस किया कि यूट्रस को क्लीन करवा। जब मैंने यूट्रस क्लीन करवाया, बहुत पेनफुल प्रोसीजर था, इसके बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई। मैं बहुत डिसहार्टेड थी। डॉक्टर ने हमें IVF की ऑप्शन दी। जब फर्स्ट IVF मैंने करवाया तो मैं बहुत एक्साइटेड थी और मुझे होप थी कि ये IVF काम करेगा। पर जब IVF फेल हुआ तो मैं बुरी तरह शॉक्ड थी, डिप्रेस्ड थी और बहुत परेशान रहने लग गई और सोचती थी कि ये मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ। मेरी पूरी फैमिली में किसी ने कभी IVF नहीं करवाया। मैं दूसरों के बच्चों को जब देखती थी तो मुझे होता था कि मेरे भी बेबीज हों जो मुझे मार करें। जब मेरे बेबीज नहीं थे, मेरे पास एक डॉल थी जिसके साथ मैं बातें करती थी और उसी को मैं अपना बेबी मानती थी। IUI भी करवाया और IVF भी करवाया, वो भी फेल हो चुके। और जब दूसरा IVF भी फेल हो गया तो मेरी उम्मीद, मेरी आस बिल्कुल खत्म हो गई। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं अब और क्या करूं। मैंने डिसाइड किया कि मैं और IVF नहीं करवाऊंगी। मैंने और मेरे हस्बैंड ने अपनी प्रेयर लाइफ को चेंज किया और मैं रोज खुदावंद से कहती थी कि मुझे पता है कि आप करोगे, पर उसी वक्त पर जो वक्त आपने मुकर्रर किया है और मैं वेट करूंगी उस वक्त का। इसी दौरान खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी जिंदगी में हेल्पर्स भेजे। मेरी सिस्टर की सिस्टर इन लॉ ने मुझे अनकुर नरुला मिनिस्ट्री का लिंक सेंड किया, क्योंकि अनकुर नरुला मिनिस्ट्रीज का था। और मैंने फर्स्ट टाइम जब ऑनलाइन मीटिंग अटेंड की April 14, 2019 में, तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पहली बार में ही मेरी प्रोफेसी हो जाएगी।
जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, मैं परमेश्वर की आत्मा को एक बहन को देख रहा हूं छूते हुए। आपकी सारी आस खत्म हो चुके, डॉक्टर्स थक चुके हैं, आपके यूट्रस को एक रोग है, आपका यूट्रस मेडिकल भाषा में सूख चुका है, जिसमें कोई ताकत नहीं रहती। मैं नहीं जानता मेडिकल भाषा में उसे क्या कहते हैं, लेकिन डॉक्टर के मुताबिक मेडिकल नाम पता नहीं उसका क्या है, लेकिन असलियत में वो सूख चुका है आपका यूट्रस। और आज इस मीटिंग में मैं आपके यूट्रस को टच होता हुआ और एक जगह से वो हील होना शुरू होगा और पूरा यूट्रस हील हो जाएगा। और मैं आपको बेबी की टेस्टिमनी, एक बेबी बॉय एक बेबी गर्ल के साथ आता हुआ वापस देख रहा हूँ चर्च में। हालेलुया। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने इस बहन की प्रॉब्लम जो थी, बीमारी थी, उसके बारे में बताया कि यूट्रस सूख चुका है, लेकिन परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा बहन, और तुझे एक बेटा और एक बेटी, दो बच्चों के साथ परमेश्वर आशीषित करेगा। आपने क्लियरली सुना परमेश्वर के वर्ड्स को, और कहते हैं बहन के पूरे एक महीने बाद ये प्रेग्नेंट हुए। मैंने जब ये प्रोफेसी सुनी तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी मैं, और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने इस प्रोफेसी को आमीन कह के रिसीव किया, और ठीक प्रोफेसी के एक महीने के बाद May 14, 2019 में फर्स्ट टाइम मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था, हम लोग बहुत खुश थे, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे। मैरिज के 6 साल के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे गर्भ के फल के साथ ब्लेस किया है, और आज मैं और मेरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश है। और खुदावंद यीशु मसीह ने December 27, 2019 को हमें बेबी बॉय और बेबी गर्ल से ब्लेस किया है। यीशु मसीह की और परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जैसी प्रोफेसी उन्होंने मेरे लिए की थी, बिल्कुल वैसे ही खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे बेबी बॉय और बेबी गर्ल से ब्लेस किया है। और उन तमाम बहनों से एक ही बात कहना चाहूँगी कि जो अभी तक कंसीव नहीं कर पाई हैं, एक ही बात कहना चाहूँगी कि अड़े और खड़े रहो और उस खुदावंद पे भरोसा रखो, क्योंकि हमारा खुदावंद देखता भी है, सुनता भी है और जवाब भी देता है। और शादी के 6 साल के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने हमें एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। इस बड़ी गवाही के लिए मैं खुदावंद यीशु मसीह का और अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी का दिल से शुक्र अदा करता हूँ। सबको जय मसीह की। एक ऐसा व्यक्ति जो पहली बार ऑनलाइन है, यहाँ ऐसा भी नहीं कि चर्च में आया, आप बोलोगे चर्च में किसी ने बता दिया होगा, जो पहली बार ऑनलाइन है और परमेश्वर उसकी पूरी उसकी घटना को बता रहा है और उसे ब्लेस कर रहा है और उसे हील कर रहा है। आप इमेजिन करो, आप जब देखते हैं प्रोफेटिक को होते हुए कि किस तरह से परमेश्वर कार्य कर रहा है, उसके लिए डिस्टेंस मायने नहीं रखता, उसके लिए कितना वो दूर बैठा है व्यक्ति, अगर आप बाय फेथ विश्वास के साथ ब्रोकन स्पिरिट के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं परमेश्वर के साथ, वो आपको छूने वाला। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, आपकी हीलिंग, आपकी डिलीवरेंस के लिए खुदावन जो अपने लोगों को आप दे रहे हैं, थैंक यू लॉर्ड। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंचों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।